नमस्कार दोस्तों, टीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे उसको जानने के बाद एक बात तो तय है कि आज आपके सपने आपको सोने नहीं देंगे। जो व्यक्ति के बारे में आज हम जानेंगे और उसकी कहानी के बारे में जानेंगे, उससे हम ये सीखेंगे कि सपने देखना क्या होता है और उससे इम्पॉर्टेंट है कि सपने को कैसे पूरा किया जाए। दोस्तों, ये वो व्यक्ति है श्री नाथ के। ये बंदा बड़ा ग्रेट है, सचमुच मैं कहूँगा, और मैं इसको दिल से सलूट करता हूँ, क्योंकि ये बंदे ने जो किया है वो लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए इंस्पिरेशन है। ये बंदा केरला के एक प्लेटफॉर्म पे कुली है, अभी भी कुलू है, राइट नाउ कुली है ये, ठीक है। अब हुआ क्या कि केरला पे जो प्लेटफॉर्म पे जो वाईफाई मिलता है, रेलवे का जो वाईफाई कनेक्शन होता है, आप लोग देखते हो कि जितने भी अमूमन सारे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको वाईफाई मिल जाता है, आधा घंटा या एक घंटा उसमें आपको मिलता है, उसने, इस बंदे ने उस चीज़ को इस्तेमाल किया। और पिछले 3 साल से वो क्या करता था कि जो भी लेक्चर्स होते थे, असल में पीसीएस की तैयारी कर रहा था, केरला पीसीएस की तैयारी कर रहा था। इसने क्या किया कि जितने भी यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स होते थे इसको वो डाउनलोड कर लेता था, क्योंकि रेलवे पे जो वाईफाई था वो कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट था और इसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो इंटरनेट कनेक्शन परचेज कर सके, तो जो रेलवे का जो वाईफाई कनेक्शन था उससे ये वीडियो डाउनलोड कर लेता था। और काम करते करते, मतलब लगेज उठा रहा है यात्रियों का और साथ में अपने ईयरफोन लगा के वो लेक्चर सुन रहा है। 3 साल तक इस बंदे ने कॉन्टिन्यूसली एक काम किया, लेक्चर सुनता गया, लगेज उठाता गया, लेक्चर सुनता गया, लगेज उठाता गया, और अंत में उसने केरला पीसीएस का मेंस क्रैक कर दिया। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसने क्रैक कर दिया है, अभी इसका इंटरव्यू बाकी है, और अगर से इंटरव्यू भी क्रैक कर दिया तो ये फील्ड ऑफिसर बन जाएगा। दोस्तों, इंटरव्यू क्रैक करे ना करे ये अलग बात है, लेकिन इसने जो कर दिया है सचमुच एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सबके लिए है। ये उन लोगों के लिए खासकर इंस्पिरेशन है जो कोई ना कोई बहाना सोचते हैं कि हम सफल नहीं हो पाए, हम पीसीएस नहीं बन पाए। देखिए, पीसीएस आईएएस, मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी के लिए है आईएएस पीसीएस बनना, मैं बस इतना कहता हूँ कि जिसने सपने देखा है, जो भी बनना चाहता है, तो फिर वो ईमानदारी से मेहनत करे, ठीक है, बहाने ना बनाए कि हमें ये फैसिलिटी नहीं है या वो फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि फैसिलिटी से आपको हेल्प मिल जाती है लेकिन आप कभी आईएएस पीसीएस बनते नहीं हैं, बनते हैं अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी जिद से। अगर आपने जिद कर ली तब बनोगे, चाहे आपको लाखों किताबें दे दी जाए, इंटरनेट कनेक्शन के कितने भी जीबी आपको मिल जाए, अगर आप इच्छा नहीं है तो कभी नहीं बन पाएंगे आप। ये बंदा इस इंस्पिरेशन इस बात की कि कम से कम रिसोर्सेज में कैसे मैक्सिमम चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। इंटरनेट की दूसरी बात बताऊंगा, इंटरनेट की पावर क्या होती है, ये बंदा उसका एग्जाम्पल है। YouTube सिर्फ मनोरंजन के लिए, मैं पहले दिन से, मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है वीडियो अपलोड करते हुए, और मैंने पहले दिन से कहा है YouTube और इंटरनेट कनेक्शन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कुछ भी सपना देखिए, कुछ भी देखिए, चाहे आईएएस पीसीएस की बात नहीं कर रहा, एक्स वाई जेड कुछ भी बनना चाहें, तुरंत सर्च कीजिए, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी। अपने टाइम का, अपने जो इंटरनेट कनेक्शन है उसका पॉजिटिव एक यूज़ कीजिए आप। दोस्तों, सिर्फ अब बात हम यहाँ तक नहीं करेंगे, श्रीनाथ के बारे में बात कर ली हमने, लेकिन कुछ और भी अपने तरफ से आज मैं ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा सुनिएगा उसको। दोस्तों, जब भी देखा कि ये क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जब आईएएस पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करता है, ये मैं व्यक्तिगत अपना आपको अनुभव शेयर कर इसमें बताऊँगा कि जब भी हम लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अचानक से हमारे जीवन में बड़े अजीब परिवर्तन हो जाते हैं। मान लीजिए कोई आदमी जॉब कर रहा है, आराम से मस्त है, 30 साल की उसकी एज है और जॉब कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, और उसको एक दिन ऐसे सूझा कि मैं पीसीएस की तैयारी करना चाहिए चाहता हूँ मैं करना, और ठीक है अब मेरे पास ठीक ठाक पैसा आ गया है, मैं थोड़ा लाइफ कंफर्टेबल है, एक बार पीसीएस में ट्राई किया जाए, जो मेरा सपना था, मेरे माँ बाप का सपना था, चलो उसको पूरा करने के लिए एक कोशिश की जाए। अभी तक उसकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है। अचानक देखो दोस्तों, देखा यह गया है कि जो बंदा आराम से लाइफ काट रहा है, नौकरी कर रहा था, जैसे ही उसने सोचा कि मैं, मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है, और जैसे ही वो थोड़ा सीरियस होता है, अचानक से उसके जीवन में क्या आता है कि बड़े दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है, और मेरे साथ जितने भी कई लोग हैं, इनफैक्ट मैं नाम ही लूँगा, कितने लोग हैं जिनके बारे में मोर और लेस यही सब हुआ है, उनकी लाइफ बढ़िया चल रही थी,
अचानक से उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए उनका सूझा, जैसे ही वो सीरियस से तैयारी करने के लिए अचानक से अजीब व अजीब चीज़ें उनके साथ होना स्टार्ट हो गई। जैसे आप तैयारी करना शुरू करोगे अचानक से क्या होता है, पता लगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके दिक्कत आ गई, फैमिली में कोई दिक्कत आ गई, आपकी हेल्थ का इशू हो गया, ठीक है, जॉब आपके ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया गया जहाँ पे आपको पढ़ नहीं पा रहे हो, या ऐसी ड्यूटी लग गई आपकी जहाँ पे आपको समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, अजीबोजीब आपको चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। और ये सच्चाई है, फैक्ट है, आप लोग खुद चीज़ों को कोरिलेट करोगे कि जैसे ही आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना स्टार्ट करते हो वैसे ही कुछ अजीबोगरीब आपके साथ होना स्टार्ट हो जाता है, और ये सच होता है। अब ऐसा क्यों होता है, मैंने बहुत सोचा ऐसा क्यों होता है कि जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो दिक्कतें आना शुरू होती हैं। चूँकि दोस्तों मैं इंजीनियर हूँ और साइंस मैंने पढ़ी है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने इसको साइंस में इसका हल निकालना सोचा मैंने कि साइंस क्या बोलती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दोस्तों एक वर्ड आता है केमिस्ट्री में, इक्विलिब्रियम, जिसने भी केमिस्ट्री पढ़ी है वो इक्विलिब्रियम उसने पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको आसान शब्द में बताता हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस करना, ठीक, कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। हमारी जो सृष्टि है, हमारा जो नेचर है, दुनिया है, यूनिवर्स है, एक बैलेंस क्रिएट किए हुए है, सब एक दूसरे को बैलेंस क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, और जब ये बैलेंस रहता है तभी सृष्टि सही तरीके से काम करती है। तो ये इक्विलिब्रियम एक ऐसा चीज़ है जो इस सब कारण, हमारी जो दिक्कतों का कारण है। अब होता क्या है कि पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, जो हमारा नेचर है वो इक्विलिब्रियम में है, एक पूरा नेचर प्रकृति इस सबको बैलेंस किए हुए है। अचानक से होता क्या है कि जब आप कुछ उस इक्विलिब्रियम को सिस्टम को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, मान लो आप जीरो पॉइंट पे खड़े हो और आपने सोचा कि मुझे करना चाहिए, तो आप पहले इक्विलिब्रियम में खड़े, जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो अचानक से कुछ अपोजिट फोर्सेस लगना शुरू हो जाती हैं। ये प्रकृति का नियम है। जब हम चलना भी शुरू करते हैं, पहला स्टेप होता है नॉर्मल चलने के लिए, तो फ्रिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा घर्षण जैसे कहते हैं होता है, ठीक है, वो आपको रोकता है, आपको शुरू के कुछ कदम कुछ आप दौड़, 100 मीटर रेस में क्या होता है, शुरू में 20 मीटर लोग स्लो दौड़ते हैं क्योंकि फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है, लेकिन जब वो 20-25 मीटर निकाल ले जाते हैं तो फ्रिक्शन कम होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी है दोस्तों, जैसे आप तैयारी करना शुरू करते हो अचानक से शुरुआत में बहुत कुछ हो जाना शुरू हो जाता है, आपको डिप्रेशन टाइप का हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपके घर में दिक्कतें आ जाएंगी, आप परेशान हो जाओगे, आपके पैसे की दिक्कत पड़ जाएगी, होता रहता है, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन अगर आप ढीठ बन गए, क्योंकि सिविल सर्विसेज नॉलेज टेस्ट नहीं करता, सिविल सर्विसेज पेशेंस चेक करता है। पहले मैं सोचता कि पेशेंस क्या होता है, लेकिन अब जब इतने सालों बाद मैं समझ में आया कि पेशेंस का मतलब एग्जाम का सिलेबस का मतलब नहीं, पेशेंस जो ये प्रोसेस है तैयारी करने का प्रोसेस, वो उसमें आप जो झेलते हो उसको हम पेशेंस, उसमें आपका पेशेंस चेक होता है, कितना बर्दाश्त करने की शक्ति आपके अंदर है। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर शुरुआत के वो दौर अगर आपने झेल लिया, शुरुआत का वो दौर आपने किसी तरह से निकाल लिया, तो 100% आप सफल होगे। इसका एक और साइंटिफिक प्रूफ मैं देता हूँ दोस्तों, कि जैसे कि ये देखिए, ये इक्विलिब्रियम का कर्व है, ठीक है, साइंस बोल रही है, मैं नहीं बोला, साइंस बोल रही है, शुरुआत में जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो उसका फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उठ नहीं पाती, उसके बाद एक लेवल आता है, थ्रश होल्ड लेवल, जहाँ से वो उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। हमारा कुछ, हमारी जो तैयारी ऐसी होती है, जब हम तैयारी करते हैं कुछ दिनों तक तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसका कुछ आउटपुट भी है कि नहीं है, आउटपुट जीरो होता है, हमारी मेहनत हम कर रहे हैं, हम वर्कआउट किए जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं रिजल्ट क्या है, जीरो है। लेकिन दोस्तों आपके रिजल्ट मार्क्स में जीरो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप जीरो, धीरे धीरे आप नॉलेज लेना शुरू कर रहे हो, आप धीरे धीरे नॉलेज लेना शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ना शुरू कर रहे हो, करते करते एक लेवल ऐसा आता है दोस्तों जहां पे आपकी मेहनत आपके रिजल्ट में दिखना शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं थ्रश होल्ड लेवल। ये थ्रश होल्ड लेवल दोस्तों हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, कुछ का थ्रेश होल्ड लेवल यहाँ पे होगा कि उसे थोड़ा मेहनत करने के बाद ही उसका रिजल्ट दिखाना शुरू हो जाएगा, किसी का थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन होता सबका है, ठीक है दोस्तों। थ्रेश होल्ड लेवल तक आपको दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, उसके बाद आप देखोगे कि आपकी मेहनत कम होगी और रिजल्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। कहा जाता है ना कि जिसका एक बार PCS प्री निकलना शुरू हो जाए तो वो बिना पढ़े भी जाएगा तो प्री निकल जाता है, लेकिन जब तक नहीं निकलता है तो मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो बस दोस्तों मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही है कि जब तक आपका थ्रेशोल्ड लेवल नहीं आता है, आपको पेशेंस बना के रखना है, हिम्मत बना के रखनी है, क्योंकि जब आपका थ्रेशोल्ड लेवल आएगा तो आपकी मेहनत आपके रिजल्ट में दिखना शुरू हो जाएगी। आप हिम्मत मत हारिए दोस्तों,
लगे रही है। मैं ये नहीं कहता कि आईएएस पीसीएस ही अल्टीमेट चीज़ होती है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आपने आपके मन में इच्छा है आईएएस पीसीएस बनने की तो उसको पूरा करो। इच्छा को पूरी करने के लिए आप करो, हार मत मानो, पूरा करके छोड़ दो, ठीक है। अगर इच्छा नहीं है आईएएस पीसीएस बनने की तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कभी नहीं कहता कि आईएएस पीसीएस ही अल्टीमेट चीज़ है दुनिया की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आईएएस पीसीएस ही जो बन जाते हैं वो भगवान बन जाते हैं, ना, ऐसा नहीं है। और भी चीज़ें होती हैं, और भी कैरियर्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप हार मत मानो, चाहे कोई भी कैरियर हो, चाहे आईएएस पीसीएस हो, चाहे कोई भी कैरियर हो, आप हार मत मानो। आपका थ्रेशोल्ड लेवल हो सकता है थोड़ा दूर हो, आपका रिजल्ट हो सकता है थोड़ा देर में दिखाई देगा, लेकिन दिखेगा जरूर, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो बस दोस्तों, मैं यही सब कहना चाहता था और मेरी ये फिलॉसफी रही है, इसलिए अपने जितने स्टूडेंट्स हैं मैं सबको बोलता हूँ कि दोस्तों थोड़ा पेशेंस रखो, थ्रेशोल्ड लेवल आपका जल्दी ही आएगा जब आपकी मेहनत आपके रिजल्ट में दिखना शुरू हो जाएगी। जब तक आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा झेल लो, क्योंकि यही मुश्किलें आपको आपको बहुत ही मैच्योर बना देगी, बहुत ज़्यादा मैच्योर बना देगी, और वो मैच्योरिटी आपके जॉब में भी दिखाई देगी। खैर दोस्तों, बस जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कोर्स के बारे में बता दूँ दोस्तों कि 3 साल का और 1 साल का कोर्स स्टार्ट कर रखा है। 2018 का भी कोर्स है, चल रहा है इनफैक्ट, और 19 का भी चल रहा है। इसमें दोस्तों, जैसे कि मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ कि कोर्स है, इसमें आपका जितना भी कोर्स है वो वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। ये वीडियो लेक्चर्स आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में होंगे, आप उसको देखोगे। कुछ अगर दिक्कत आती है आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और डाउट्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको पढ़ने के स्टडी मटेरियल देंगे, वो पीडीएफ क्या है, बिल्कुल बने हुए नोट्स हैं, आपको कुछ भी नोट्स नहीं बनाने हैं, ये सब बने बनाए नोट्स होंगे, आपको बस वो याद करना है। और उसके बाद आपके रोज के रोज टेस्ट हो जाएंगे। फीस बहुत ही नॉमिनल है, मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। बैचेस शुरू हो चुके हैं, 19 का बैच शुरू हो चुका है, 18 का बैच स्टार्ट हो चुका है और 3 साल का बैच, मैं तीनों बैच 1 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों का पेपर जो 2018 वाले हैं उनका पेपर 19 अगस्त को हो सकता है, अभी फाइनल डेट नहीं आई है, हो सकता है, अगर अभी आगे पीछे रहेगी, अगर 19 अगस्त को नहीं भी होती है तो सितंबर में हो जाएगा, लेकिन पेपर तो होगा ही होगा। आप किसी भी कोर्स में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस नंबर पे 8317040152 पे आप हमें कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। सिर्फ कोर्स के लिए नहीं, बात नहीं कीजिए मुझसे, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, पीसीएस आईएएस को लेकर कुछ आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं और आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो दोस्तों मुझे आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। बस मुझे इतना ही कहना था दोस्तों आज के लिए, धन्यवाद।